हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो नीश शर्मा ग्रुप और मैं हूं अमन शर्मा। दोस्तों अभी मैं आपको बताने वाला हूं LNMU में जो PG का फॉर्म भरा गया था, पोस्ट ग्रेजुएशन का जो फॉर्म भरा गया था, जिन जिन बच्चों ने भरा था उनके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है दोस्तों कि उनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, वो भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जो एडमिशन लेंगे PG में उनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है दोस्तों। तो चलिए हम अभी आपको बताते हैं कि एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है और किस डेट में आपका एग्जाम होने वाला है और आपको किस कॉलेज में आपका एग्जाम सेंटर पर आए, सारा डिटेल्स में अभी आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। तो चलिए देखते हैं अभी हम, ये देखिए हम आ गए हैं LNMU की ऑफिशियल साइट है, ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। इस पर आने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको मैं ये जो दिख रहा है आपको www.lnmuuniversity.nic.in ये जो दिख रहा होगा, ये मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डायरेक्टली उस पर क्लिक करके इस पेज पर आ सकते हो, ठीक है। इस पेज पर आने के बाद आपको करना क्या है कि इसको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे ये कॉलम बना हुआ था, ये पार्ट वन का, यहाँ से रिजल्ट वगैरह भी चेक होता था यहीं से, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो अभी ये जो है अभी एडमिशन के लिए जो बच्चों का फॉर्म मतलब जो एडमिशन के लिए जिन बच्चों का आया हुआ है पार्ट वन में उनका ये जो है लिंक दिया हुआ है। और ये देखिए PG एडमिट कार्ड का जो है वो ये लिंक दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर एडमिट कार्ड ऑफ PET 2019। मतलब PET के लिए जो मैंने आपने PG के लिए फॉर्म भरा था तो आपको एडमिट कार्ड यहीं से डाउनलोड करना है, यही लिंक दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ये बैगनी कलर का आप यहाँ पे आओगे तो इसको बैगनी कलर का आपको दिखेगा, इस पर आके आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। इस तरह का इंटरफेस खुलते ही दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, डायरेक्टली आपको यहाँ आना है। देख सकते हैं आप कितने मतलब कितने लोगों का ये दिया गया है, 10 का दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं केमिस्ट्री, कॉमर्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, उसके बाद साइकोलॉजी का, जूलॉजी, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आना है आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है दोस्तों। तो मैं यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के अभी आपको दिखाता हूँ मैं लॉगिन करके। ये देखिए दोस्तों ये लॉगिन हो गया है, मैंने सिक्योरिटी के लिए आपको वहाँ पे मैंने काट के आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे आपको लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड डालना है और लॉगिन कर देना है। इस पेज पे आप डायरेक्टली आ जाओगे। इस पेज पे आने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ देख सकते हो PET लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आना है, यहाँ पे क्लिक करते ही आपको देख सकते हो यहाँ लिखा है PET एडमिट कार्ड। तो इस पर क्लिक करते ही आप डायरेक्टली एडमिट कार्ड के सेक्शन पर चले जाओगे। ये आप देख सकते हो PET के एडमिट कार्ड सेक्शन पे आ गए हैं, ये एडमिट कार्ड है इसका साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ कॉलेज एग्जाम सेंटर कॉलेज कॉलेज जो है मिल्लत कॉलेज दरभंगा है, ठीक है। और डेट जो है वो एग्ज़ाम डेट जो है वो यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ देख सकते हो 30/6/2019 है। और रिपोर्टिंग टाइम जो है 8:30 बजे वहाँ रिपोर्टिंग करना है, एग्ज़ाम 9 बजे से चालू हो जाएगा, 9 बजे से लेकर के 11:30, मतलब 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है। तो 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा वहाँ पर, एग्ज़ाम दे के आपको डायरेक्टली अपने घर जाना है, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले और लाइक भी कर दे, क्योंकि इसी से बेल आइकन दबाने के बाद हमारा लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।